गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मैथ्स क्लास फिफ्थ चैप्टर फिफ्थ। द नेम ऑफ द चैप्टर इज डज इट लुक द सेम, क्या ये एक तरह से दिखते हैं। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अपनी आज की वीडियो में हम मैथ्स क्लास फिफ्थ चैप्टर फाइव, जिसका कि नाम है डज इट लुक द सेम, क्या चीजें एक समान दिखती हैं, के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। लेट्स मेक पैटर्न्स फ्रॉम ए ड्रॉप ऑफ कलर, एक कलर की बूंद से पैटर्न बनाना यहाँ पर सिखाया गया। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं पिक्चर में, यहाँ पर एक लड़की है, ये बोली आई हैव मेड दिस पैटर्न्स फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर, यू कैन मेक देम टू। ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो पैटर्न बनाया है, ये एक कलर की एक बूंद से बना रखा है। तो वो बोल रही है कि मैंने ये बनाया है और आप भी ऐसा कर सकते हैं। सो मेक योर पैटर्न। आप इसको करने के लिए क्या लीजिए, पहले एक पेपर लीजिए, टेक अ शीट ऑफ पेपर, फोल्ड इट इनटू हाफ्स, उसको बीच में से बराबर बराबर उसको पार्ट्स में फोल्ड कर दीजिए। ओपन द फोल्ड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ कलर एट द मिडल लाइन, उसके बाद उसको खोलिए, जो एक सीधी लाइन हो जाएगी उसमें एक बिल्कुल बीचों बीच एक जो कलर की एक बूंद डालिए। उसके बाद फोल्ड इट ट्वाइस एंड प्रेस इनटू स्प्रेड द कलर, उसके बाद इसको एक बार ऐसे और एक बार ऐसे फोल्ड कर लीजिए और उसको टाइट से दबाइए ताकि जो कलर है वो बीच में से फैल जाए। और अब इसको पूरा खोल लीजिए, ओपन इट एंड सी अ ब्यूटीफुल पैटर्न, और इस प्रकार आपका पैटर्न बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। कैन यू कट दिस पैटर्न इन सच ए वे दैट यू गेट टू सिमिलर मिरर हाफ्स, क्या बोलते हैं कि इसको तुम ऐसे इस प्रकार से काट सकते हो कि तुम्हें दो सिमिलर हाफ मिले। तो ये जो ये वर्टिकल लाइन है, इसमें से अगर हम काट लेंगे दो सिमिलर हाफ समय, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही, दो मिल जाएंगे। सो द आंसर इज यस। इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू इट, कैसे आपने किया, तो ये आप ऊपर देखा है आपने। नेक्स्ट लुक एट दिस पैटर्न, इस पैटर्न को देखिए, ये वाला और ये वाला। अब इसके यहां पर क्या स्टेटमेंट दे रखा है, द डॉटेड लाइन डिवाइड्स द शेप इनटू टू हाफ्स, जो ये डॉटेड लाइन है ये इन दोनों को दो बराबर बराबर पार्ट्स में बांट रही है। बट इफ यू फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन्स, मगर आप ये डॉटेड लाइन से इसको अगर फोल्ड करेंगे, द लेफ्ट हाफ डज नॉट कवर राइट हाफ कंप्लीटली, जो इसका जो ये लेफ्ट हाफ है ये राइट हाफ को कंप्लीटली कवर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, हाफ कंप्लीटली, सो द टू हाफ्स आर नॉट मिरर हाफ्स, तो ये मिरर हाफ्स नहीं है। तो क्यों नहीं करेगा, अगर आप इसको और इसको साथ में रखेंगे और इसको करेंगे, इसके ऊपर की तरफ ये है देखो, यहां पर नहीं है, तो ये भाग बच जाएगा, इसको ओवरलैप नहीं करेगा, तो ये मिरर हाफ नहीं है। मिरर हाफ केवल वही होगा जो एक दूसरे का ओवरलैप करे, जिसको उसके ऊपर रखने से बिल्कुल भी हिस्सा उसका ना बचे बाहर। नाउ लुक एट अनदर शेप, और दूसरी शेप को देखिए, इफ यू फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइंस वन हाफ विल कवर द अदर सिमिलर हाफ कंप्लीटली, सो द टू हियर आर मिरर हाफ्स। अब इसमें देखिए, इसमें अगर हम इसको लेफ्ट हैंड या राइट हैंड इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे तो ये बिल्कुल इसको कवर कर लेगा, बिल्कुल भी पार्ट नहीं बचेगा, तो ये इसका मिरर हाफ है। और किस प्रकार से यहां पर दिखाया गया है, नाउ इमेजिन द सेम फॉर दिस पिक्चर्स, और इसमें भी ऐसा ही है। नेक्स्ट यहां पर आपको कुछ शेप्स दी गई हैं, इसमें क्या दिखा गया, वी शेप्स आर डिवाइडेड इंटू टू मिरर हाफ्स बाय द डॉटेड लाइन्स, यहां पर आपको शेप्स दी गई हैं और उनके बीच में डॉटेड लाइन दी गई है, आपको बताना है कि ये मिरर हाफ कौन सा। तो मिरर हाफ वही होगा जो बिल्कुल इसमें एक के ऊपर रखेंगे तो बिल्कुल इसको बिल्कुल ढक लेगा और कोई भी जगह नहीं बचेगी। सो इसको देखिए आप, तो वन है इसमें, और वन है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, टेन है, एंड एट है, और थर्टीन नहीं है देखो नीचे है, और 15 है। तो जिससे मैंने राइट का टिक कर रखा है वो इसको बराबर दो मिरर पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, वो वाली लाइन। नेक्स्ट मिरर गेम, अभी देखिए यहां पर आपको दे रखा है शीशे का खेल, मिरर गेम। हियर इज अ पिक्चर ऑफ डॉग, यू कैन प्लेस अ मिरर ऑन द डॉटेड लाइन, देन द पार्ट ऑफ द डॉग टू द राइट of the line will be hidden behind the mirror. What you will see is like, यहां पर देखो यह बताया गया, ये एक डॉग का शेप दे रखा है, यहां पर एक ये क्या है, एक आपको लाइन रखी हुई मिल रही है। इसमें बोला गया यदि आप अगर आप ये एक मिरर को इस लाइन के ठीक ऊपर रखते हैं तो इसका जो राइट पार्ट है वो हिडन हो जाएगा, वो छुप जाएगा, और जो ये लेफ्ट साइड का पार्ट है वही राइट साइड में भी दिखेगा, इस प्रकार से आपको पिक्चर दिखेगी। तो यही इसमें बताने की कोशिश करी गई है। नाउ लुक एट द फिगर इन द व्हाइट बॉक्स, ये व्हाइट बॉक्स है, इसमें जो फिगर दिया है उसको देखिए, ऑन विच ऑफ द डॉटेड
lines, will you keep the mirror so that you get shape? B. यहां पर ये दो लाइनें दी हैं, एक ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है, तो इसमें से कौन सी लाइन पर आप मिरर रखेंगे कि आपको ये जो बी वाला शेप है ये सेम मिलेगा. सो यहां पर क्या बोला था, यहां पर कौन सी लाइन पे रखा था हमने, वर्टिकल, तो इसमें भी हम वर्टिकल लाइन पे रखेंगे, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है इस लाइन पे मिरर रखेंगे तो हमको ये शेप मिल जाएगा, और राइट वाला जो वो है वो इसमें से हिडन हो जाएगा, छुप जाएगा, और ये लेफ्ट वाला ही राइट में आ जाएगा, सेम जो लेफ्ट है वो राइट में आ जाएगा, इस तरह से ये शेप बन जाएगा. सो नेक्स्ट ऑल्सो टेल, तो क्या आंसर होगा इसमें, वर्टिकल डॉटेड लाइन पे रखेंगे हम. नेक्स्ट ऑल्सो टेल, विच पार्ट ऑफ द पिक्चर विल बी हिडन देन वी कीप द मिरर ऑन द डॉटेड लाइन्स, तो कौन सा पार्ट हिडन हो जाएगा इसमें, राइट वाला हिडन हो जाएगा, ये देखिए जो लेफ्ट में है वही यहां पर राइट में है और ये राइट वाला हिडन हो गया है. सो द आंसर इज राइट ऑफ द लाइन. नेक्स्ट नाउ मेक ए लाइन ऑन द व्हाइट बॉक्स टू शो वेयर यू विल कीप द मिरर टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट. नाउ मेक ए लाइन ऑफ द व्हाइट बॉक्स टू शो, अभी आपको देखिए व्हाइट बॉक्स में जो जो आपको पिक्चर्स दे रखी हैं उसमें ये बोलना है, इसमें ये करना है कि इसमें एक लाइन आपने ड्रॉ करनी है, वो लाइन इस प्रकार होनी चाहिए, वेयर विल कीप द मिरर टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट, जो इस साइड में है इस तरह से लाइन खींचनी है कि सेम इस तरह से वो मिरर लाइन आप मिरर में वो दिखाई दे. तो इसमें कौन सा पार्ट है इसका, देखिए ये कौन सा पार्ट है इसका, इसका पार्ट है ये राइट हैंड साइड का, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का, ये है राइट हैंड साइड का, ये है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का, तो अगर हम इस प्रकार से लाइन खींचेंगे इसके राइट हैंड साइड में ये पार्ट आएगा, तो यहाँ पर मिरर रखने में ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमको दिखाई नहीं देगा, छुप जाएगा, और ये दोनों पार्ट आ जाएंगे सेम इस तरह से, तो इस तरह से ये लाइन होगी. इसी प्रकार से ये जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है वो लाइन्स हम खींचेंगे तो हमको जो इसकी मिरर इमेज है वो मिल जाएगी. नेक्स्ट, वेंकी हैज मेड ए रेड एंड व्हाइट शेप, वेंकी ने क्या बनाई है, रेड एंड व्हाइट शेप बनाई है, मेक ए लाइन ऑफ द व्हाइट बॉक्स वेयर यू विल कीप अ मिरर टू गेट दैट शेप, लुक एट हाउ द लाइन इज ड्रॉन इन द फर्स्ट बॉक्स टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट, तो इसमें भी सेम ऐसे ही है, यहां पर आपको जो व्हाइट बॉक्स में दे रखी है इसमें आपने ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है कि इसके साथ वाला पार्ट आपको इस प्रकार से मिल जाए, तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, इस प्रकार से आप ड्रॉ करेंगे तो आपको जो उसका पार्ट है वो मिल जाएगा, सेम उसी तरह है, एक पार्ट दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड का दिखता है और राइट हैंड साइड का क्या हो जाता है, हिडन हो जाता है, छुप जाता है. नेक्स्ट हाफ ए टर्न, वंस देयर वाज अ किंग ही वाज अपसेट बिकॉज थीव्स kept stealing costly jewels from his locker. Here is what the locker looked like. यहां पर क्या है, एक बार राजा था वो बहुत ही उदास था, क्यों उदास था, क्योंकि जो चोर थे जो उसके जो उसका लॉकर था उसमें से उसके सारे जो क्या थे गहने थे कीमती हीरे जवाहरात थे उसको चुरा के ले जाते थे. Here is what the locker looked like. उसका लॉकर किस प्रकार का था, इस प्रकार का था जिसमें कि ये जो टू हैं शेप्स ये येलो कलर के हैं, ये टू शेप्स किस कलर के हैं, रेड कलर के हैं. The locker could be opened by giving its handle half a turn, another half turn and the locker would be locked again. इसमें क्या बोला गया है, ये जैसे locker है अगर ये इसमें इस समय lock है तो ये खुलता कब है, जब क्या हो जाता है, इसको हम half turn करेंगे, और अगर हम इसको half turn करेंगे तो ये वाला part घूम के यहां आ जाएगा. ये clockwise आप देखिए, यहां पर 12 है, 12 का आधा half होता है, तो ये पार्ट यहां आ जाएगा. तो सेम जिस प्रकार से लॉक है उसी प्रकार से अनलॉक में भी हमको ये दिखा ऐसा ही शेप बन जाएगा. सो इसलिए वो क्या था, किंग कंफ्यूज हो जाता था, वो उसको खोलता था उसके बाद कुछ निकालता था और फिर वो सोच, और अगर हम उसको फिर दोबारा ऐसे हाफ टर्न करेगा तो लॉक हो जाएगा, तो फिर दोबारा वैसी, तो अनलॉक और लॉक दोनों में वो एक जैसा होता था, इसलिए वो क्या था, उसको अंदाजा नहीं आता था कि मैं इसे खोल रहा हूं या इसको बंद कर रहा हूं. द किंग वुड ऑफन लीव द लॉकर ओपन थिंकिंग इट वॉज लॉक्ड, वो उसको ओपन छोड़ देता, वो सोचता है कि ये लॉक है, क्योंकि ये इसको हम इसका हाफ घुमाएंगे यहां पर आ जाएगा, सेम यही बन जाएगा, और फिर इसको लॉक करेंगे फिर सेम यही बन जाएगा, तो लॉक हो चाहे अनलॉक हो इसकी शेप यही रहेगी, इसलिए वो जब उसको देखता था वो सोचता था कि मैंने इसे बंद कर दिया है, तो इसलिए और वो खुला रह जाता था और चोर वहां से चुरा के ले जाते थे. तो इसमें क्या है, कैन यू गेस द रीजन, तो यही रीजन था जो मैंने आपको ऊपर बताया है. अच्छा, वन डे हिज क्लेवर डॉटर गेव हिम एन आइडिया विच ही लाइक वेरी मच,
नाउ ही नेवर गॉट कंफ्यूज्ड। एक दिन जो उसकी चालाक लड़की थी, उसकी लड़की थी जो बहुत चालाक थी, उसमें थोड़ा दिमाग से काम लिया, उसने एक आइडिया दिया अपने पापा को कि पापा आप ऐसा करना, और उसने वो आइडिया अपनाया तो फिर वो कभी भी कंफ्यूज नहीं हुआ। तो उसने क्या आइडिया दिया था, कैन यू गेस व्हाट द आइडिया वाज, क्या आप गेस कर सकते हैं क्या आइडिया था? द किंग्स डॉटर आस्क्ड द किंग टू पुट अ डॉट ऑन वन ऑफ द येलो ब्लेड्स। अब उसने क्या बोला, पापा ये अगर एक ही कलर के तो आप ऐसा करो येलो में एक ब्लैक वाला एक सर्कल बना दो, कोई निशान डाल दो। अब क्या क्या हाफ लॉक किया, अगर ये लॉक है तो ये जो क्या है ब्लैक वाला जो आपने साइन बनाया था ये ऊपर को रहेगा, अगर आप इसे अनलॉक करोगे इसे हम घुमा देंगे आधा घुमा देंगे तो ये नीचे चला जाएगा। तो आपको पता चलेगा अगर ये नीचे है तो इसका मतलब अनलॉक है और ऊपर है तो वापस लॉक है। तो ये आइडिया किंग को पसंद आया। द किंग्स डॉटर आस्क्ड द किंग टू पुट अ डॉट ऑन वन ऑफ द येलो ब्लेड्स, वही येलो ब्लेड में एक लगाने को बोला। द किंग हैड मैनी सच लॉकर्स विद डिफरेंट हैंडल्स। अब इस प्रकार से किंग के पास ऐसे ऐसे ये बहुत सारे लॉकर हैं जिनकी भी शेप इस प्रकार हो, इसमें भी कंफ्यूज होता रहता है वो। चेक इफ ऑन गिविंग देम हाफ अ टर्न ही कैन गेट कंफ्यूज विद दिस टू। इसमें भी वही है कि हाफ टर्न करो तो क्या हो जाता है, वो खुल जाता है, और दोबारा हाफ टर्न करो तो बंद हो जाता है। तो इसमें भी वही है। तो इसका भी सोल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे, इसमें भी हम एक यहाँ पर एक साइन डाल सकते हैं, इसमें सब में एक एक साइन डाल सकते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा वो साइन नीचे आएगा तो इसका मतलब वो क्या है अनलॉक है, और ऊपर जाएगा तो लॉक है। वट विल यू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ दिस, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो यू कैन डू इट योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड टूडेज पार्ट। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल टू यू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल एंड राइट डाउन द सॉल्यूशंस इन योर नोटबुक एंड सेंड मी द फोटोज ऑफ योर सॉल्यूशन। थैंक यू।